दोस्तों आज मैं आपको बताने वाला हूँ MIUI 11 के टॉप 10 फीचर्स। जी हाँ दोस्तों, MIUI 11 के टॉप 10 फीचर्स के बारे में, जो कि मैंने लिस्ट बना के रखी हुई है कुछ, तो नोट्स के अंदर मैंने सेव करके रखे हैं MIUI 11 के टॉप 10 फीचर्स। सबसे पहले फ़ीचर की हम बात करेंगे, नंबर वन जो है ऐप ड्रॉवर। तो दोस्तों बहुत टाइम से जो है डिमांड आ रही थी कि ऐप ड्रॉवर देना चाहिए, Xiaomi वालों को ऐप ड्रॉवर देना चाहिए, तो फाइनली दोस्तों MIUI 11 के अंदर ऐप ड्रॉवर जो है आने वाला है। आप यहाँ पर देख सकते हैं जो कि MIUI 11 की लॉन्चर यहाँ पर निकल कर आ चुकी है। अगर आपको वीडियो देखनी है तो मैंने डिस्क्रिप्शन में देख वीडियो की लिंक दे रखी है, वहाँ से आप MIUI 11 की लॉन्चर को डाउनलोड कर पाएंगे। तो दोस्तों MIUI 11 के अंदर ऐप ड्रॉवर आने वाला है, आप देख सकते हैं यहाँ पर इस तरीके से आपको लॉन्चर मिलने वाली है ऐप ड्रॉवर, ठीक है, आपको मिल जाएगा, जो कि काफ़ी अच्छी बात है, क्योंकि यहाँ पर जो है आपकी जो है डिस्प्ले है, आपकी होम स्क्रीन है, काफ़ी ज़्यादा ब्यूटीफुल यहाँ पर लगती है, जो कि पूरा आपको खाली खाली से आप अपने हिसाब से कस्टमाइज़ भी कर सकते हो होम स्क्रीन को। ऐप ड्रॉवर भी आपको अलग से मिल जाता है, ठीक है। एंड अब हम बात करें दूसरी फीचर की ओर, जो कि है 3D टच। तो 3D टच भी यहाँ पर आपको मिल चुका है, यहाँ पर जो आप देख सकते हैं, तो 3D टच आपको यहाँ पर देख सकते हैं मिल चुका है। यहाँ पर MIUI 11 के अंदर भी आपको 3D टच मिलने वाला है, क्योंकि दोस्तों आपको पता होगा कि MIUI बीटा के अंदर फीचर आ चुके हैं MIUI 11 के, देख सकते हैं 3D टच भी आपको मिल चुका है। एंड अब हम चलते हैं तीसरे फीचर की, जो कि है डार्क मोड। तो दोस्तों डार्क मोड जिस फ़ोन के अंदर सपोर्ट नहीं करते थे, तो वो फ़ोन के अंदर भी आपको डार्क मोड दे दिया जाएगा। अभी तो हाल फिलहाल डार्क मोड कोई भी यहाँ पर ऑप्शन नहीं है, ठीक है, MIUI 11 के अंदर डार्क मोड आपको दे दिया जाएगा, ठीक है। एंड अब हम बात करते हैं चौथे फीचर की, जो कि बैटरी ऑप्टिमाइजेशन। तो दोस्तों Xiaomi के फ़ोन में बहुत अभी तक वो प्रॉब्लम आ रही है बैटरी ऑप्टिमाइजेशन पर दोस्तों, अब MIUI 11 के अंदर बैटरी ऑप्टिमाइजेशन आपको मिल जाएगा, यानी कि बैटरी ऑप्टिमाइज़ करके आपको MIUI 11 मिलने वाला है। आप अपने हिसाब से उसके अंदर बैटरी ऑप्टिमाइज़ कर पाएंगे। जी हाँ दोस्तों, कब आपको जो ऐप्स लॉन्चिंग करना है एंड आपका जो है कौन कौन से ऐप्स आप जो है ज़्यादा यूज़ करते हैं, तो दोस्तों बैटरी ऑप्टिमाइजेशन भी यहाँ पर आप जो है देख सकते हैं आ चुकी है, ठीक है। आप शेड्यूल भी अपने हिसाब से सेट कर सकते हैं, एंड आप जो है पावर बैटरी सेवर भी आपको मिल जाता है। एंड यहाँ पर आप चलते हैं जो कि है पांचवी फीचर की, जो कि है नोटिफिकेशन सेड एनिमेशन। तो दोस्तों नोटिफिकेशन सेड के अंदर यहाँ पर अभी एनिमेशन आ चुके हैं, पर दोस्तों पता नहीं है कि ये चेंज होगा या नहीं। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं, जैसे कि मोबाइल डाटा ऑन करता हूँ, यहाँ पर एनिमेशन यहाँ पर आ रही है, जैसे कि देख सकते हैं मैं यहाँ पर मोबाइल यानी कि वाईफाई को ऑन करता हूँ, यहाँ पर आप देख सकते हैं एनिमेशन इस तरीके से आपको इसके अंदर एनिमेशन देखने को मिल जाएगी आपके MIUI 11 के अंदर नोटिफिकेशन सेड में। एंड अब हम बात करते हैं दोस्तों छठवें फीचर की ओर, तो सिक्स्थ फीचर के अंदर आपको बूट एनिमेशन अपडेट। जी हाँ दोस्तों, आपको बूट एनिमेशन का भी अपडेट देखने को मिलेगा, जिस फ़ोन के अंदर नहीं मिला था तो उसके अंदर भी आपको बूट एनिमेशन का जो है अपडेट मिल जाएगा। दोस्तों आपको पता नहीं है कि बूट एनिमेशन का अपडेट कौन सा होता है, जैसे कि जब आप फ़ोन को जो है यानी कि स्विच ऑफ करते हैं फिर उसको ऑन करते हैं, जैसे कि आपका सबसे पहले MIUI का लोगो आता है, फिर उसके बाद बूट एनिमेशन चलती है MIUI की, तो उसको आप अपने हिसाब से चेंज कर पाएंगे। जी हाँ दोस्तों, जो कि थीम के अंदर सपोर्टेड करती हैं, पर दोस्तों अभी जो फ़ोन के अंदर सपोर्ट नहीं कर रहे हैं, तो आपको बूट एनिमेशन का भी यहाँ पर ऑप्शन देखने को मिल जाएगा। तो आप यहाँ पर देख सकते हैं कस्टमाइज थीम के अंदर यहाँ पर कोई भी यहाँ पर अभी तक बूट एनिमेशन का ऑप्शन नहीं है, तो वो भी आपको MIUI 11 के अंदर देखने को मिल जाएगा, ठीक है। एंड अब हम बात करते हैं सेवन्थ फीचर की, जो कि सातवां यहाँ पर फीचर है मोबाइल डाटा स्विच। तो दोस्तों मोबाइल डाटा स्विचिंग यहाँ पर, जैसे कि आपके फ़ोन में 2 SIM डली हुई हैं, तो दोस्तों आपको बार बार जो है सेटिंग्स के अंदर जाना पड़ता था कि आपको मोबाइल डाटा किस सिम से ऑन करना है, पर दोस्तों अब ऐसा नहीं है। जैसे ही आप अपने फ़ोन में मोबाइल डाटा ऑन करेंगे, तो अभी देख सकते हैं मेरे फ़ोन में तो अभी 1 SIM है, तो मोबाइल डाटा ऑन करेंगे तो आपसे पूछ लिया जाएगा कि आपको 1st SIM से नेट चलाना है, 2nd SIM से नेट चलाना है, जो कि काफ़ी अच्छी बात है, यहाँ पर आपको मिल जाएगा MIUI 11 के अंदर। एंड अब हम बात करते हैं दोस्तों और क्या मिलता है आपको इसके अंदर। एंड आपका आठवां फीचर की बात करते हैं यहाँ पर, सिस्टम ऐप्स डार्क मोड। जी हाँ दोस्तों, सिस्टम ऐप्स भी यहाँ पर आपको डार्क मोड दे दिए जाएंगे MIUI 11 के अंदर, जैसे कि आपको धीरे धीरे डार्क मोड दे दिए जा रहे हैं सिस्टम ऐप्स के अंदर। जैसे कि आपको जो है अभी फाइल मैनेजर के अंदर डार्क मोड आया है, तो फाइल मैनेजर के अंदर भी आपको डार्क मोड का ऑप्शन दे दिया गया है, यहाँ पर आप जो है देख सकते हैं डार्क मोड, जो कि आपके सिस्टम ऐप्स जो है डार्क मोड सपोर्ट नहीं करते थे, पर दोस्तों उसके अंदर आप डार्क मोड का अपडेट भी दे दिया जाएगा, ठीक है। एंड अब हम बात करते हैं यहाँ पर नवे फीचर की ओर, जो कि ऑलवेज ऑन डिस्प्ले। तो दोस्तों ऑलवेज ऑन डिस्प्ले का अपडेट आपको दे दिया जाएगा। अगर आपको नहीं पता है ऑलवेज ऑन डिस्प्ले क्या होता है, जैसे कि आप अपने फ़ोन को एक बार लॉक कर देते हो, तो उसके बाद आपको जो है
टाइम दिखने लगता है ऑलवेज ऑन डिस्प्ले, मतलब आपका जो है डिस्प्ले ऑन होता है उसके अंदर आपको जो है वॉच यहाँ पर देखने को मिल जाती है ब्लैक के अंदर, जो कि आपको बहुत जो कि ब्यूटीफुल लुक देती है, आपको बार बार लॉक आपको खोलने की ज़रूरत नहीं पड़ती है। जैसे कि आपको सैमसंग के कुछ फ़ोन है उसके अंदर आपको देखने को मिल जाती है ऑलवेज ऑन डिस्प्ले, जो कि अब MIUI 11 के अंदर भी मिलने वाली है। एंड अब हम बात करते हैं दोस्तों बैटरी बैटरी एनर्जी सेविंग, दोस्तों गलत लिख गया बैटरी एनर्जी सेविंग। तो दोस्तों ये क्या है दोस्तों, जब आप जो है बैटरी एनर्जी सेविंग यहाँ पर आपको न्यू ऑप्शन दे दिया जाएगा, यानी कि ये पावर सेविंग मोड है यहाँ पर जो आप बोल सकते हैं बैटरी सेवर मोड, तो उसके अंदर आपको बहुत सारे ऑप्शन दे दिए जाएंगे कि आपको कौन कौन से ऐप्स को डिसेबल रखना है और कौन कौन से आपको बैकग्राउंड में जो है ऐप्स को यहाँ पर रोकना है। तो उसके अंदर काफ़ी सारे ऑप्टिमाइजेशन एंड काफ़ी सारे ऑप्शन दे दिए जाएंगे आपके बैटरी सेवर के अंदर दोस्तों, MIUI 11 के अंदर। दोस्तों बैटरी ऑप्टिमाइजेशन काफ़ी अच्छी होने वाली है आपके MIUI 11 के अंदर दोस्तों, ठीक है। दोस्तों ये कुछ खास फीचर्स मैंने रखे थे लिस्ट में MIUI 11 के टॉप 10 फीचर्स। अगर आपको फीचर्स अच्छे लगे हों और वीडियो भी अच्छी लगी हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिए, दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ चैनल को जो सब्सक्राइब करें। थैंक यू दोस्तों, मिलते हैं ऐसी अगली वीडियो में।